हेलो दोस्तों, सुबह का आपको प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली, सभी स्वस्थ होंगे। जय भाई ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज मैं आलू के चपाती बनाने जा रही हूँ। आइए चलो देखते हैं। ये देखिए, मैंने आलू के चपाती के लिए ये सब सामग्री ली है। एक वाटी गेहूं का आटा लिया है, दो आलू उबला के स्नैश करके लिया है मैंने, दो चम्मच चने का आटा लिया है, दो चम्मच राइस आटा लिया है और कोथमीर लिया है, हरा मिर्च को पेस्ट करके लिया है, लहसुन की कली जीरा डाल के और खूट के लिया है, और हल्दी लिया है और स्वाद अनुसार नमक लेंगे। ये सब सारे चीज़ें अभी आटे में मिला के ले लेंगे। ये देखिए, मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में गेहूं का आटा ले रही हूँ मैं। एक वाटी आटा लिया है मैंने और दो उबले हुए आलू को मैंने पेस्ट करके लिया है, वो भी इसमें डाल रही हूँ। लहसुन और जीरा का पेस्ट भी डाल रही हूँ। हरा मिर्च का पेस्ट है ये भी डाल रही हूँ मैं है। और इसको 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं, बाद में फिर इसका चपाती बनाती हूँ मैं। ये देखिए, मैंने आटे को सब थोड़ा थोड़ा लेकर गोल बना के लिया है। अच्छा फ्लेवर आ रहा है, देखो कितना कलरफुल है। और किसी भी चटनी के साथ इस आलू को चपाती को खा सकते हैं। मैंने चटनी ऑलरेडी बना के रखा था, इसलिए मैंने आपको बता रही हूँ। और हम लोग खा लेते हैं, आप लोग भी बनाकर खाइए। हमारा रेसिपी कैसा लगा हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए। और अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय दोस्तों।